अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैस अनवर है और ये भी कोई सैम्पल पेपर्स हैं जो कि किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजे थे कि ये भी पीएमसी के हैं। अच्छा, ये थोड़े से डिफरेंट है कि इसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है, सब टॉपिक दिया हुआ है, यानी चैप्टर दिया हुआ है, उसके अंदर सब टॉपिक दिया हुआ है, कहाँ से लिया, फिर क्वेश्चन दिया हुआ, फिर ऑप्शन दिए हुए, तो इसको भी मैं उसी तरह से करवाऊँगा। जो क्वेश्चन जो हैं वो किए जा सकते हैं अभी वो देखेंगे, और फिर जो क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं वो देखेंगे, और फिर देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो एक्स्ट्रा लिए गए हैं। तो ये आपके पास बायोडाइवर्सिटी से सारे क्वेश्चन हैं। मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन देख रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी स्टेबल एंड अलाउज वायरसेस टू एग्जिस्ट इन वाटर, एयर एंड द ग्राउंड। वो क्या चीज़ है वायरस के अंदर जो कि काफ़ी स्टेबल है और उसे जो है वो अलाउ करती है कि वो एग्जिस्ट कर सके वाटर के अंदर भी, एयर के अंदर भी और ग्राउंड के अंदर भी। अच्छा, अगेन ये क्वेश्चन जो है अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन सिंध से नहीं सॉल्व किया जा सकता, बाकी फेडरल और पंजाब मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं इसके ऊपर क्रॉस तो लगाऊंगा, बट इसके आंसर भी देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वायरस के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और एक उसके सराउंडिंग के अंदर जो है वो प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे कैप्सिड का नाम देते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है और कैप्सिड वो होता है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो मोस्ट लाइकली इसका आंसर जो है वो कैप्सिड होगा जो कि उसे इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है जब तक वो अपने होस्ट सेल के अंदर नहीं चला जाता। नाउ द जीनोम ऑफ द वायरस इंक्लूड्स, अब जीनोम जो होता है वो टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जीनोम के अंदर वायरस का डीएनए भी आ जाता है और आरएनए भी आ जाता है, क्योंकि कुछ वायरसेस जो हैं, ये पहली बात वायरस के पास दोनों चीज़ें नहीं होती। ये इस क्वेश्चन के ऊपर शायद मंगा भी हुआ था पहले कभी किसी एक पेपर के अंदर। जीनोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल आता है, आप कुछ वायरसेज जिनके पास डीएनए होता है और कुछ के पास आरएनए होता है। तो ओवरऑल वायरसेस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी। नाउ वेयर कैन वायरसेस रेप्लिकेट, तो एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस कैन रेप्लिकेट इन ऑल द लिविंग सेल्स। तो कुछ वायरसेस एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं, कुछ प्लांट्स के ऊपर, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर, तो ऑल इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, नहीं डिजीज से, व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज द स्मॉल पॉक्स वायरस। तो आपने क्लासिफिकेशन जो है वो इस वायरसेस की पढ़ी है, तो स्मॉल पॉक्स वायरस ये तो पता है कि डीएनए वायरस होता है, बट शायद बुक्स में मेंशन नहीं कि ये एनवलप वायरस होता है। तो डीएनए भी और एनवलप वायरस भी, उसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होना चाहिए, बट अगेन मैं इस पर क्रॉस लगाऊंगा बिकॉज शायद बुक्स के अंदर खाली डीएनए वायरस मेंशन हो, कहा गया। नाउ वायरसेस विदाउट न्यूक्लियर एनवलप इज कॉल्ड एज, तो विदाउट एनवलप जो वायरसेस होते हैं उन्हें हम नेकेड वायरसेस का नाम देते हैं। नाउ देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ एचआईवी इंफेक्शन, व्हिच सीक्वेंस इज करेक्ट। तो अगेन इस पर भी मैं क्रॉस लगाऊंगा कि ये मैंने अभी तक नहीं करवाया है, बट इन्फेक्शन एचआईवी के जो लाइफ साइकिल है वो आपको फेडरल के अंदर मिल जाएगी, तो ये किया जा सकता है फेडरल से सॉल्व। व्हिच सीक्वेंस इज करेक्ट, तो किसी भी बीमारी के अंदर पहले अक्यूट फेज होता है, फिर क्रॉनिक फेज होता है, और उसके बाद फिर फाइनल स्टेज होता है। तो फाइनल स्टेज जो है वो एड्स है, उससे पहले आपके अक्यूट और क्रॉनिक आने चाहिए, तो ये करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए, बट अगेन मुझे नहीं पता है कि इस बुक के अंदर मेंशन है। ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायो एनर्जेटिक। अच्छा भाई, इफ अ मॉलिक्यूल इज रिड्यूस इट गेन, तो रिडक्शन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होना या हाइड्रोजन ऐड होना। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, यस। हाइड्रोजन प्रोटॉन्स ऐड होते हैं, यस। एनर्जी गेन होती है, मेरे ख्याल में एनर्जी भी गेन होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो अपने साथ एनर्जी भी लेकर आएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रहा तो इलेक्ट्रॉन्स तो आते हैं और हाइड्रोजन का आना भी जो है वो आपका रिडक्शन की डेफिनेशन के अंदर में आता है। नाउ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डीस्टेबलाइज द एग्जिस्टिंग केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड एज, तो ये वही एनर्जी है कि जिसके दिए बगैर कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, तो उसे आप एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। जब आप एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तभी जो मॉलिक्यूल्स है, जो रिएक्टेंट्स है, वापस में रिएक्ट करेंगे। ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम विद फोटोरेस्पिरेशन। तो सबसे पहली बात कि फोटोरेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ये उनके अंदर होता है जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो सबसे पहले हेटरोट्रॉफ्स को हम रूल आउट कर दें। अब बचे हमारे पास ये तीन तरह के प्लांट्स, ये थ्री प्लांट्स वो हैं कि जिनके अंदर पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो तीन कार्बन का बनता है, C4 वाले में चार कार्बन का बनता है। अच्छा, अब फोटो रेस्पिरेशन जो है ये किसी भी प्लांट के अंदर हो सकती है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है जब वो हॉट एंड ड्राई सिचुएशन के अंदर आएगा, बट C4 प्लांट्स जो हैं और कैम प्लांट्स जो हैं इनके पास ऑल्टरनेट पाथवेज मौजूद होते हैं जिससे ये अवॉइड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो किसको होगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके C3 प्लांट्स को होगी। ना हेक्सोकाइनेस इज द एंजाइम फाउंड इन, हेक्सोकाइनेस वो है जो कि आपके ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट करता है,
अच्छा ये कहाँ पाया जाता है ये पूछा है इन्होंने। तो सिन बोर्ड के अंदर तो एंजाइम्स के नेम्स के ऊपर इतना फोकस नहीं है, रिएक्शंस के ऊपर फोकस है, बट फेडरल के अंदर आई थिंक फेडरल के अंदर भी और पंजाब दोनों के अंदर जो है वो हर रिएक्शन जो है बायो एनर्जेटिक्स के अंदर उसके एंजाइम्स मेंशन है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इसके अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, तो ये वाला जो फॉस्फेट ऐड करवाने की जिम्मेदारी होती है ये आई थिंक हेक्सोकाइनेज की होती है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पाया जाता है। नाउ व्हाट हैपेंड टू ग्लूकोज व्हेन इट विल एडमिनिस्टर्ड ओरली। तो भैया ओरली अगर आप ग्लूकोज इंजेस्ट करते हैं तो इसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये मोनोसैकेराइड है, एक्सक्रीट नहीं होगा क्योंकि ये काम की चीज़ है, तो ये ब्लड के अंदर जो है वो आ जाएगा एब्जॉर्ब होके, तो आई थिंक सर्कुलेशन के अंदर आना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, मतलब जिस तरह से दिया हुआ है, बट इसमें एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन के बाद ये सर्कुलेशन के अंदर आएगा, सर्कुलेशन के बाद ये फिर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होगा। ना एटीपी सिंथेज इज लोकेटेड इन डैश ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो एटीपी सिंथेज ये वो स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए हाइड्रोजन आयंस गुजरते हैं और वो उन हाइड्रोजन आयंस की जो एनर्जी उन्हें यूटिलाइज करके एडीपी और फॉस्फेट को मिलाकर एटीपी बनाता है। तो ये वहीं पर पाया जाता है जहाँ पर पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वो इनर मेम्ब्रेन जिसमें क्रिस्टे मौजूद होते हैं उसके अंदर मौजूद होता है। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स। डैश मेड द प्रोटेक्टिव कोटिंग्स अराउंड द प्लांट ऑर्गन्स। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लिया गया, तो प्लांट के ऑर्गन्स के अराउंड प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है ये बैक्सिस की बनी हुई होती है जो कि जिसमें क्यूटिकल भी आ जाता है। ओके ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी एक्सेप्ट। ओके सो ऑप्शंस में हमारे पास सबसे पहले ब्रेन है, कहाँ गया, सबसे पहले ब्रेन है, देन हमारे पास हार्ट है, देन ब्लड है, देन टिश्यूज़ है। अच्छा नॉर्मली जब ग्लाइकोजन की बात आती है तो दो एरियाज हैं जो कि मेजर साइट कंसिडर किए जाते हैं, इसमें एक लिवर है और दूसरा स्केलेटल मसल्स है कि जहाँ पर ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी ग्लाइकोजन नहीं मिलता, मिलता है बट बहुत स्मॉल अमाउंट्स के अंदर मिलता है क्योंकि उन सेल्स के अंदर स्टोरेज का पर्पज़ नहीं है, उनके अंदर डायरेक्टली जो है वो ग्लूकोज एंटर होता है और वो वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि जिनके पास मेजर स्टोरेज है जैसे कि लिवर और स्केलेटल मसल्स हैं तो वो बाकी बॉडी को सप्लाई करने का काम करते हैं। तो डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन मौजूद होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर दोनों में ग्लाइकोजन मौजूद होता है, हार्ट के अंदर, हार्ट के सेल्स में ग्लाइकोजन मौजूद होता है। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन के ज़्यादातर सेल्स जो हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन नहीं होता, जैसे कि न्यूरॉन्स हैं या न्यूरोग्लिया के अंदर जो मल्टीपल टाइप्स हैं एक तरह के सेल्स हैं एस्ट्रोसाइट्स, उनके अंदर कुछ ग्लाइकोजन मौजूद होता है, बट ओवरऑल ब्रेन के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन नहीं पाया जाता, तो ब्रेन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बट अगेन इस लाइन इस क्वेश्चन के ऊपर मैं क्रॉस लगाऊंगा बिकॉज ये कहीं से लिया गया है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, अच्छा ये द अमाइनो एसिड नॉट फाउंड इन द प्रोटीन इज। तो अगर आपको ये नहीं भी आता तो अगर आप गौर करें तो ये चारों अमाइनो एसिड के नाम ऐसे हैं जो कि आपने सुने हुए हैं, और ये चारों के चारों जो हैं ये उन 20 अमाइनो एसिड्स के अंदर आते हैं जो कि हमारी प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं, बट इनमें से एक अमाइनो एसिड है जिसके साथ कुछ एडिशनल लगा हुआ है और वो है बीटा एलेनिन। तो बीटा एलेनिन जो है एक अल्फा एलेनिन होता है, एक बीटा एलेनिन होता है। अमाइनो एसिड्स के अंदर ये वाहिद अमाइनो एसिड है जिसकी बीटा फॉर्म एग्जिस्ट करती है और ये नॉन प्रोटीनोजेनिक है, यानी प्रोटीन्स के अंदर नहीं पाया जाता। तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं से लिया गया है, इसके ऊपर भी मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। तो अगेन पांच क्वेश्चंस ऐसे हैं 15 में से जो कि थोड़े से हमें नहीं पता कि किस बुक से लिए गए हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 16। इन कंट्रास्ट टू द यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए, प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए कंटेन्स। तो यहाँ पे दो मैसेंजर आरएनए हैं, उनको जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। अगेन ये भी अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो मैं इसके ऊपर भी क्रॉस लगा रहा हूँ। ओके तो ये मोस्ट लाइकली जो है ये चैप्टर नंबर 6 से लिया गया होगा, जो कि आपका क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाला चैप्टर है, जीन एक्सप्रेशन वाला। बट जहाँ तक हमने वो देखा था सिलेबस देखा था, आई थिंक सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 6 या क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला चैप्टर इंक्लूडेड नहीं था, बट अल्लाह जाने क्या कर रहे हैं। खैर मुझे नहीं पता कि कौन सी बुक से लिया गया है, बट सिस्ट्रॉन जो है वो जीन को कहते हैं, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मैसेंजर आ रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल जीन्स की इन्फॉर्मेशन हो, जबकि मोनोसिस्ट्रॉनिक वो होता है कि जिसके अंदर सिंगल जीन की इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो यूकैरियोटिक आरएनए होता है, यूकैरियोटिक आरएनए के अंदर एक आरएनए के अंदर एक जीन की इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि जो बैक्टीरियल होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर मल्टीपल जीन्स की इन्फॉर्मेशन होती है। तो यही डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए जो है इन कंट्रास्ट टू यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए जो है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए जो है इट कैन बी पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो प्रोकैरियोटिक पी से याद रखना, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, इनके अंदर एक ही मैसेंजर आरएनए के अंदर मल्टीपल जीन्स की इन्फॉर्मेशन होती है। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर फाउंड, तो ये वही क्वेश्चन है, ये बैक्टीरिया के अंदर पाया
पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ये वायरस इसे ख़राब बनाते हैं। इसका निशान तो लगा दूँ मैं। ओके, फैटी एसिड इज कम्पोज ऑफ, तो फैटी एसिड आपको पता है किस चीज़ से बना हुआ होता है। हाँ, एसिड ग्रुप एट वन एंड, एसिड ग्रुप एट बोथ एंड्स, अमाइनो ग्रुप एट वन एंड अमाइनो ग्रुप एट बोथ। अमाइनो ग्रुप तो इसके अंदर होता नहीं है, एसिड ग्रुप मौजूद होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है और वो एक एंड के ऊपर मौजूद होता है। नाउ अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, अब ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड पासिस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स बाय, तो गैसेज जो हैं ये आपकी डिफ्यूजन के जरिए जाते हैं, तो ये पैसिव डिफ्यूजन के जरिए जाती हैं। इसके अंदर देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दिया हुआ है, पैसिव डिफ्यूजन भी दिया है, दोनों पैसिव ही हैं, दोनों के अंदर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, बट मोर इस पर तो ये बी सी क्यू है, यानी बेस्ट आंसर जो है वो आपका पैसिव डिफ्यूजन है। ना प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, विच द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट पजेस ए न्यूक्लियस, देखें अब यहाँ पर अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो दो अगर हैं तो सीव ट्यूब सेल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। अगर आपको याद हो मैंने सीव ट्यूब सेल्स के बारे में पढ़ा है कि उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है बट उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। व्हाट वॉज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ओके इस क्वेश्चन के ऊपर भी मैं क्रॉस लगाऊंगा बिकॉज ये भी अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर शामिल नहीं है। आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा है लेकिन आपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नहीं पढ़ा जो कि डेवसन एंड डेनियल का है। अच्छा, ये मॉडल कहता है कि जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर तीन लेयर्स हैं, तीन लेयर्स का मतलब ये है कि एक तो उसके अंदर पहले इनके अंदर चार लेयर्स हैं जिसमें ये दो लेयर्स जो हैं ये आउटर और इनर ये प्रोटीन की हैं और इसके दरमियान में ये आपकी लिपिड की दो लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर इसे इलेक्ट्रॉन उसके ज़रिए देखा जाए तो टोटल तीन लेयर नज़र आएंगी, ये दोनों एक ही तरह की नज़र आएंगी, फिर ये अलग नज़र आएगी, अलग नज़र आएगी, तो इसे ट्राइलेमिनर मॉडल भी कहता है। ये कहता है कि ये लिपिड बायलेयर जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर लिपिड की बायलेयर मौजूद है, प्रोटीन्स एम्बेडेड की बात नहीं की है, प्रोटीन्स जो है वो आउटर और इनर साइड पर मौजूद है बट एम्बेडेड नहीं है, और ये वाला पॉस्टुलेट भी इसका नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। तो ये भी मुझे बताएं कि किसी बुक के अंदर अगर मेंशन है तो। नाउ द सेल थ्योरी इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट, सो सेल थ्योरी जो है वो वायरसेस के ऊपर जो है वो नहीं आएगी बिकॉज सेल थ्योरी जो है वो बात ही सेल से करती है जबकि वायरसेज जो है उन्हें बॉर्डर लाइन के ऊपर कंसिडर किया जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान। साइटोप्लाज्म में विच पार्ट ऑफ द सेल सर्व एज इंट्रासेलुलर हाईवे, तो अगर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से देखें तो गलियों गलियों की शक्ल में जो है पूरे सेल में बिछा हुआ होता है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके जरिए चीज़ें जो है वो सेल के अंदर घूमती फिरती रहती हैं, तो ये हाईवे के तौर पर भी बिहेव करते हैं, इंट्रासेलुलर हाईवे के तौर पर। ओके, नाउ ये आपका आ गया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, ये नर्वस कंट्रोल भी है और ये केमिकल कंट्रोल भी है। ना एसिटाइल कोलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल के अंदर आता है एसिटाइल कोलिन। ना रेगुलेशन ऑफ डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इन ह्यूमन, तो हाइपोथैलेमस की क्या क्या फंक्शन है उसके अंदर, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना इसका फंक्शन होता है, बॉडी का वाटर पोटेंशियल कंट्रोल करना इसका फंक्शन होता है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी के ऊपर अफेक्ट हो सकता है हाइपोथैलेमस, बट आई डोंट थिंक ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है। सर्कैडियन रिदम्स और इमोशंस जो है, सर्कैडियन रिदम्स वो हैं जो एक्टिविटीज़ हमारी रिपीट होती हैं, तो ये कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस से, बट यूरिन ऑस्मोलैरिटी यानी यूरिन कितना गाढ़ा होगा या कितना कम होगा, ऑल्दो के हाइपोथैलेमस जो है वो ADH बनाता है और ADH जो है वो अफेक्ट करता है, बट डायरेक्टली यूरिन ऑस्मोलैरिटी के ऊपर अफेक्ट नहीं करता, वो बेसिकली ब्लड के अंदर वाटर कितना है या ब्लड के अंदर सॉल्यूट क्या है उनके ऊपर जो है वो मुतासर होता है। तो ब्लड का जो वाटर पोटेंशियल है, ब्लड का सॉल्यूट पोटेंशियल है वो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करते हैं बट यूरिन का नहीं करता, ये अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है मैं गलत हूँ। नाउ एक्सपीरियंस हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, तो दो तरह के बिहेवियर होते हैं, एक वो होता है जो कि पहले से एनिमल के अंदर मौजूद होता है, वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है, और एक वो होता है जो वो सीखता है, तो ये तीनों जो हैं ये लर्न बिहेवियर के अंदर आते हैं, ये एक्सपीरियंस से बेहतर होते हैं, और जो काइनेसिस है ये आपका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के अंदर आता है, तो इसके ऊपर एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है। व्हाट इज़ द ट्रू केमिकल नेचर ऑफ एंटी डायोरेटिक हार्मोन, तो एंटी डायोरेटिक हार्मोन जो है इसके बारे में पूछने कि ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये प्रोटीन इन नेचर होता है। ओके, वन ऑफ दीज प्रोसेसेस डज नॉट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन ह्यूमंस, नेगेटिव फीडबैक के अंदर ये होता है कि कोई काम हो रहा होता है उसको रोका जाता है, ठीक है, कोई चीज़ सीक्रेट हो रही होती है उसको बंद किया जाता है, तो अब इनमें से ये पूछना है कि इनमें से कोई एक चीज़ है जो नहीं होती नेगेटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग। नाउ सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियास इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन,
अच्छा, ये ग्लूकोज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कह रहे हैं जब वो ब्लड के अंदर बढ़ती है तो इंसुलिन जो है वो सीक्रेट करना शुरू कर देता है क्या, सॉरी जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन जो है वो सीक्रेट करना शुरू कर देता है। तो आफ्टर मील ग्लूकोज जब इंक्रीज होता है तो इंसुलिन आता है और इंसुलिन क्या करवाता है, इस ग्लूकोज को डिक्रीज करवाता है। तो इंसुलिन जो है वो बढ़ते हुए ग्लूकोज को अपोज कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करें ग्लूकागॉन की, तो ग्लूकागॉन जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ग्लूकागॉन आता है और वो आकर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करवाता है। तो ये ऑपोजिट इफेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं। जबकि अगर आप ऑक्सीटोसिन और सर्विस की डायलेशन की बात करें तो बर्थ जब होती है तो जैसे जैसे बेबी आगे पुश होता जाता है वहाँ पर स्ट्रेच होता है और उस स्ट्रेच की वजह से ऑक्सीटोसिन जो है वो फर्दर इंक्रीज होता जाता है। तो ऑक्सीटोसिन जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ये पॉजिटिव फीडबैक के अंदर आता है, जबकि ये वाली जो दो एग्जाम्पल्स हैं ये नेगेटिव फीडबैक के अंदर आती हैं। तो इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा है, कौन सी एग्जाम्पल है जो कि नेगेटिव फीडबैक की वजह से नहीं होती, तो वो बी है। बी जो है वो पॉजिटिव फीडबैक के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारे पास, ये दोबारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आ गए क्या? हाँ, ये फिर दो क्वेश्चन मेरे ख्याल में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आ गए एंड देन ये कंट्रोल से। नाउ द सेल थ्योरी इज एप्लीकेबल, अच्छा ये हो चुका है, विच पार्ट ऑफ द, हाँ ये हो चुके हैं यहाँ पे 28 तक हो चुके हैं, राइट। तो 29 क्वेश्चन है हमारे पास। द ओनली एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, तो आर्थ्रोपोडा वो फाइलम है हमारे पास कि जिनकी जॉइंटेड लिम्ब्स होते हैं। अब उसके अंदर इन्होंने पूछा है कि वो कौन है जो कि एक्वेटिक हैं, तो एरेक्निड्स के अंदर स्पाइडर आता है, माइरियापोडा जो है इनके अंदर आपके सेंटीपीड मिलीपीड आते हैं, और जो गैस्ट्रोपोडा हैं, जो गैस्ट्रोपोड्स हैं इसके अंदर स्नेल्स वगैरह आते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, ये तीनों आपको ज़मीन पर मिल जाते हैं, जबकि जो क्रस्टेशंस हैं ये आपके पानी के अंदर समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। नाउ फाइलम प्लैटीहेलमिंथ्स, फ्लेम सेल्स इन द प्लेनेरिया दे कॉन्स्टिट्यूट द, तो फ्लेम सेल्स जो हैं ये इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है। नाउ विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है भाई। तो एलिमेंट्री कैनाल इज फॉर्म फ्रॉम द एंडोडर्मल सेल्स, द एलिमेंट्री कैनाल हैज अ सिंगल ओपनिंग, द एलिमेंट्री कैनाल इज सैक लाइक, तो ये तीनों चीज़ें सही हैं। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या समझे, एक कैविटी टाइप होती है तो वो सैक लाइक होता है, एक ओपनिंग होती है अंदर, अंदर जो है वो आपके एंडोडर्मल सेल्स होते हैं जो कि उसे लाइन कर रहे होते हैं। प्रिमिटिव टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। द आउटर बॉडी वॉल ऑफ द स्पंज इज मेड अप ऑफ विच सेल्स, तो इसके अंदर पिनेकोसाइट्स होते हैं जो कि आउटर बॉडी वॉल बनाते हैं। नाउ इट इज मोर इन मोस्ट डिप्लोब्लास्टिक आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द थ्री लेयर्स आर रिप्रेजेंटेड एज, द थ्री लेयर्स आर रिप्रेजेंटेड एज, अच्छा जो तीन लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म है, ठीक है, मीजोडर्म है और फिर एंडोडर्म है। तो बेसिकली इनसे क्या होते हैं, इनसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो उनसे हमें पता लगता है कि अच्छा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पहले कभी फला लेयर हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्किन की बात करें तो वो एक्टोडर्म से बनती है, अगर आप GIT की लाइनिंग की बात करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग की बात करें, तो वो एंडोडर्म से बनती है। मीजोडर्म जो है ये आपके मसल्स वगैरह जो है इससे बनते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए फंक्शंस नहीं, द स्ट्रक्चर्स फॉर्म फ्रॉम देम, स्ट्रक्चर जो इनसे बनते हैं तो उनसे रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी। नाउ टॉक अबाउट द एंजाइम्स, द सबस्ट्रेट बाइंड टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एंजाइम, तो उसे आप एक्टिव साइट का नाम देते हैं। ओके, इट्स अ इजी क्वेश्चन। द रिएक्शन विल प्रोसीड फास्टर इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज, तो अगर किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस रिएक्शन उसको एनर्जी हासिल करने में, उसे एनर्जी ऑब्टेन करने में जो है वो टाइम कम लगेगा। तो यही काम जो है वो एंजाइम्स करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड को कम कर देता है। द इंड्यूस्ड फीड मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉशलैंड इन विच द फॉलोइंग ईयर, अच्छा ये तो फजूल सवाल है, मुझे डेट्स फिर से याद नहीं होती, तो ये डेट जो है वो आप देख लीजिएगा।